शादी समारोह में छोटे भाई से विवाद होने के बाद बड़े भाई को मारी थी गोली। मड़ोताल थाना अंतर्गत हुए गोलीकांड के दो आरोपी दो देसी पिस्टल और कारतूस के साथ हुए गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। कल थाना मड़ोताल के बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े भरे बाजार में कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने एक व्यापारी को गोली मारी थी। वो व्यापारी जो है मसाले का काम करता है, सड़क पर बेचता है, और चूंकि ये घटना ऐसी थी जो कि एक सनसनी फैलाने वाली थी और बाजार के व्यापारियों को भय उनमें व्याप्त करने वाली थी, तो इस घटना के मद्देनज़र पूरी पुलिस सक्रिय हुई, विशेषकर जिस क्षेत्र की थाना मड़ोताल पुलिस है, और उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इसमें खास ये है कि वो अपना चेहरा छिपाए हुए थे और एक बुलेट से दो व्यक्ति आए और उन्होंने जो घायल है छोटू पटेल इसके पेट में गोली मारी थी, तो उसकी हालत तो ठीक है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आरोपियों का पता चला और बहुत शीघ्र ही थाना मड़ोताल की पुलिस ने उन आरोपियों को जिंदा कारतूस और जो पिस्टल है जो सही सलामत है जिससे और भी फायर किए जा सकते हैं, और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको जब्त किया है। और इसमें तीन आरोपी हैं, एक आरोपी जिसने कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था कि किस प्रकार से घटना करनी है, और बाकी जिन दो लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसमें एक रोहित यादव है जो कि अभी फरार है, जो कि अपनी बाइक चला रहा था, और बाकी जो दो मुख्य लोगों को पकड़ा गया है। क्या नाम है इसका? एक आरोपी है अनुज खटीक जिसने कि गोली चलाई थी, और रोहित यादव गाड़ी चला रहा था, और जो मास्टरमाइंड है वो है धर्मेंद्र महाराज। अब इस घटना के पीछे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि थाना तिलवारा में 2 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें इस घटना का जो घायल है उसके भाई नवनीत पटेल के साथ आरोपियों का विवाद हुआ था, और इस विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। तो इसमें खास बात यह है कि उनको शीघ्र पकड़ लिया गया है। इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं थाना गढ़ा में और तिलवारा में भी, और अब इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो जबलपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिनके भी बॉडी ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो या तो उनको बॉन्ड ओवर करवाया जाएगा। बॉन्ड ओवर का मतलब ये होगा कि उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो और भी घटनाएं ना करें, और अगर वो सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ़ NSA और जिला बदर की कार्रवाई भी करने का कल से शुरू किया गया। ये नए नए उभरते हुए गैंग हैं और नए नए उभरते हुए आरोपी हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए और भी जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि गैंग हिस्ट्री शीट बनी हुई है, इनके मेंबर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हैं, इन पर भी कार्रवाई करने के लिए आज पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा निर्देशित किया गया है।